हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विशाल ऑनलाइन क्लासेस। और दोस्तों, अगर आप भी व्हाट्सएप एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं तो आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा होता होगा, आपका कोई फ्रेंड आपको मैसेज सेंड करता है और उसके बाद डिलीट कर देता है। अब यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का मैसेज शो होता है, यू डिलीट, जैसे कि आप देख पाएंगे दिस मैसेज वॉज डिलीटेड, यानी कि जिसने आपको मैसेज भेजा है उसने डिलीट ऑल कर दिया है आपके पास से भी और अपने पास से भी। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर एक नया फीचर आया था व्हाट्सएप का, जिसमें यदि हम गलत मैसेज किसी अपने फ्रेंड को या किसी को भी सेंड कर देते हैं तो हम उसे डिलीट कर देते हैं डिलीट फॉर एवरीवन करके। और जैसे कि हम यहाँ से डिलीट करेंगे तो जिस बंदे को भी हमने वो मैसेज सेंड किया होगा उसके पास से भी डिलीट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से अगर आपका कोई फ्रेंड आपको मैसेज सेंड करने के बाद डिलीट कर देता है तो आप पता लगा सकते हैं उसने आपको मैसेज में क्या भेजा था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप रिकवर कर सकते हैं उस मैसेज को जो आपके दोस्त ने आपको भेजा था, दोस्त ने या फिर किसी ने भी। तो इसके लिए दोस्तों, आपको क्या करना होगा, इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इन हिंदी में बताने वाला हूँ किस तरह से आप अपने डिलीटेड मैसेज को जो है रिकवर कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप मैसेंजर का यूज करते हैं तो इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक और शेयर करने से ही हमें सपोर्ट मिलता है। तो दोस्तों, मैं आपका ज्यादा टाइम ले लेते हुए आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपको अपने मैसेज को जो है रिकवर कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि मैं इस वाले मोबाइल से जो है इसमें मैसेज सेंड करने वाला हूँ और इसके बाद जो है इसमें मैं डिलीट करने करके आपको दिखाऊंगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ भी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ। तो दोस्तों, अगर ये ट्रिक आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि एक मैसेज सेंड किया है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर जो मैसेज है वो जा चुका है। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं इसे डिलीट करूँगा तो यहाँ पर इसकी नोटिफिकेशन जो है मुझे मिल जाएगी, जैसे कि इस मैसेज को जो मैंने डिलीट कर लिया है तो यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर बैक आ जाता हूँ, अब यहाँ पर जो है मैं इस मैसेज को नहीं पढ़ूंगा और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसको आपको किस तरह से जो है पढ़ना होगा। तो यहाँ पर मैं किसी भी एक मैसेज को सेंड कर देता हूँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक मैसेज सेंड किया और यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर एक मैसेज जो है आया है विशाल ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से। अब दोस्तों, मैं यहाँ से जो है इसके डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने उसको अभी रीड नहीं किया है। अब मैंने यहाँ से इस मैसेज को डिलीट कर दिया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर भी डिलीट का ऑप्शन जो है वो आ जाएगा, दिस मैसेज वॉज डिलीटेड। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप देख पाएंगे वो मैसेज डिलीट हो चुका है। अब हम क्या कैसे जानेंगे कि मैसेज जो है वो क्या आया था, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो मैसेज मेरे पास आए थे वो यहाँ पर जो है देख पाएंगे आप, जैसे कि आप देख पाएंगे दिस मैसेज डिलीटेड। और इससे पहले जो है मैंने यहाँ पर ये लिखा था, आप देख पाएंगे, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पर ये लिखा था, तो ये मैसेज जो है आ चुका है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए जो है आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, इसके बाद ही आप किसी भी मैसेज को जो है बिना पढ़े यहाँ पर देख पाएंगे उसकी नोटिफिकेशन, जैसे कि मैंने यहाँ पर भेजी और यहाँ पर इसकी भी नोटिफिकेशन हमें मिल जाएगी। आप यहाँ पर देखेंगे इसकी नोटिफिकेशन भी हमें मिल चुकी है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जाना होगा अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। तो मैं एप्लीकेशन का नाम आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही लिखना होगा, नोटी सेव। तो आप यहाँ पर देखेंगे नोटी सेव स्टेटस एंड स्टेटस सेवर, तो आपको इस एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। और तो यहाँ पर मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और ये एप्लीकेशन जो है हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी, और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये ज़्यादा MB की भी नहीं है, लगभग 4 MB की एप्लीकेशन है। और यहाँ पर जैसे ही ये हमारे मोबाइल में इंस्टॉल होगी, इसके बाद यहाँ पर आपको कौन कौन सी परमिशन देनी है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। तो यहाँ से दोस्तों, हम इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, मैंने इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में ओपन कर लिया, इसके बाद आपको नोटिस सेव लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ये एक निशान दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे कि हम इस पर क्लिक करेंगे, ये एप्लीकेशन आगे बढ़ जाएगी, अलाउ का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको अलाउ करना है और आपको नोटिस सेव जो है यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा, इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पर आपको नोटिस सेव का जो है एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसको जो है यहाँ से इस तरीके से करने के बाद ओके कर देना है। यहाँ पर आपकी जो नोटिस सेव की नोटिफिकेशन है वो खुल चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप बैक करेंगे तो यहाँ पर आपको लोडिंग एप्लीकेशन लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। और यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और दोस्तों, ध्यान दीजिए, आपकी जो पेमेंट वाली एप्लीकेशन है उसका नोटिफिकेशन आपको ऑन नहीं करना है। सिर्फ आप क्या कीजिए, सिर्फ यहाँ पर व्हाट्सएप का ही नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और इसके बाद जो है आपका जो अदर एप्लीकेशन है उनके नोटिफिकेशन को आप हाइड कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों, ये एक नोटिफिकेशन लेने वाली एप्लीकेशन है, तो इसमें आपको जो पेमेंट वाली चीज़ें हैं उनको ऑन नहीं करना है। तो मैं ये आपको पहले ही बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर मैंने इसको ऑफ कर दिया है,
अब इस तरीके से इसको ऑफ कर दीजिएगा जिन एप्लीकेशन को आप एक्सेस नहीं देना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों बस यही आपको करना था और आप जो है इस तरीके से यहाँ पर आपकी जितनी भी नोटिफिकेशन होगी वो आपके मोबाइल में आनी शुरू हो जाएगी व्हाट्सएप वगैरह की। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप व्हाट्सएप पर आए किसी भी मैसेज को रीड कर सकते हैं। हाउ टू रीड डिलीटेड मैसेज ऑन व्हाट्सएप मैसेंजर इन हिंदी। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं दोस्तों आप सभी के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसके बारे में पता चल जाए। तो आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।